And very good morning to all my dear students. How are you all? I hope everyone you are fine. Okay? Dear students, today in class 4 subject English, I will explain you unit 4 why. So everyone, you can open your Marigold textbook. Let's see your unit 4 poem why. Students, first I will read this poem and then I will explain you, okay? I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that? Why then? Why now? Why not? Why by the by? He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky. Why sinks the sun behind the hills? And why the flowers die? Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others, no one ever yet has found the reason why. Students, in this poem you can see, in this picture there is one girl and one boy, right? So which word is here? Why. So why means it's a word to use to ask question. Ye jo word hai why, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, इन दिस पोयम दिस लिटिल बॉय इज वेरी क्यूरियस एंड ही इज आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? व्हाई दिस हैपन, व्हाई दैट? सो लेट्स सी व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चन दिस लिटिल बॉय इज आस्किंग. आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय. Students, what is the meaning of curious? Curious means eager to know. So, I know a curious little boy. मैं एक ऐसे little boy को जानती हूँ, वो कैसा है? Curious है. Who is always asking why? ये जो little boy है वो बहुत curious है और हमेशा पूछता रहता है why? Okay? ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? Which kind of question he is asking? See, why this, why that, why then, why now? Okay, ye kyun, wo kyun, why then, baad mein kyun, why now, abhi kyun, why not, kyun nahi, and why by the by, right? So students, here in this first stanza, this little boy is asking questions. Why this, why that, why then, why now? And this little boy is curious, right? Now come to second stanza. He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink. So what did this little boy want to know? He wants to know that why wood should swim. Students, you know very well that
would swim in water, right? What is the meaning of wood? W double O D, wood. Wood का meaning क्या होता है? लकड़ी, right? So ये जो wood होता है वो पानी में तैरता है. सो ये लिटल बॉय है, उसको जानना है कि ये जो वूड है वो पानी में तैरता क्यों है. एंड व्हाई लीड एंड मार्बल सिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीड? लीड इज अ हैवी मेटल, राइट. एंड मार्बल, मार्बल, दिस इज मार्बल, राइट. मार्बल मीन्स स्टोन. सो ये जो मार्बल है, लीड है, वो क्या करते हैं? पानी में सिंक हो जाते हैं, मीन्स डूब जाते हैं. सो दिस बॉय इज आस्किंग दैट व्हाई लीड एंड मार्बल सिंक, ये जो लीड है और मार्बल है वो क्यों पानी में डूब जाते हैं, राइट. नेक्स्ट, व्हाई सन शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो, ये जो सन है वो क्यों शाइन होता है? एवरीवन यू नो दैट सन क्या करता है? शाइन होता है. एंड व्हाई विंड शुड ब्लो, और ये जो विंड है वो क्यों ब्लो होता है? एंड व्हाई वी ईट एंड ड्रिंक, और हम क्यों खाते हैं और क्यों पीते हैं, राइट. सो इन द सेकंड स्टंजा व्हाट दिस लिटिल बॉय इज आस्किंग, ही इज आस्किंग दैट व्हाई वुड शुड स्विम, ये जो वुड है वो क्यों स्विम होता है. एंड व्हाई मार्बल एंड लीड सिंक, मार्बल एंड लीड क्यों सिंक होते हैं, ओके. एंड सन वो जो है वो क्यों शाइन होता है, और विंड क्यों ब्लो होता है, और हम क्यों खाते हैं और पीते हैं, राइट. नाउ कम टू थर्ड स्टंजा, ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स. सो ये लिटिल बॉय को जानना है कि बादल जो बनते हैं वो कौन बनाता है, राइट, कैसे बनते हैं. एंड व्हाई दे क्रॉस द स्काई, और ये जो बादल है वो स्काई को क्रॉस क्यों करते हैं. व्हाई सीज द सन बिहाइंड द हिल्स, और ये जो सन है वो हिल्स के पीछे क्यों छिप जाता है, राइट. बिहाइंड मीन्स पीछे. एवरीवन यू नो दैट एट द सनसेट टाइम सन सिंक्स बिहाइंड द हिल्स, राइट. जब सनसेट टाइम होता है तो ये जो सन है वो हिल्स के पीछे छिप जाता है. सो दिस लिटिल बॉय वॉन्ट्स टू नो दैट वाई दिस सन सिंक्स बिहाइंड द हिल्स एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और ये जो फ्लावर्स हैं, फूल जो होते हैं, वो क्यों डाई हो जाते हैं. डाई मीन्स मुरझा जाते हैं, राइट. सो इन द थर्ड स्टंजा व्हाट डज द बॉय वॉन्ट टू नो, दिस बॉय वॉन्ट्स टू नो दैट व्हाट मेक्स क्लाउड्स, व्हाई दे क्रॉस द स्काई, एंड व्हाई द सन सिंक्स बिहाइंड द हिल्स, एंड व्हाई द फ्लावर्स डाई. नाउ फोर्थ स्टंजा, सम ऑफ दिस वाइज आर नॉट टू हार्ड, ये जो वाई के फ्यू क्वेश्चंस है, सम क्वेश्चंस है, वो बहुत हार्ड नहीं है. तो आंसर इफ यू विल ट्राई, अगर आप ट्राई करोगे आंसर की, तो ये बहुत हार्ड नहीं है. अदर्स नो वन एवर येट हैज फाउंड द रीजन वाई, और जो अदर्स है वाई उसके रीजन फाउंड नहीं हुए, राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर पोएम वाई. इट्स अ वेरी इजी एंड नाइस पोएम. In this poem, this little boy asks questions. He is a very curious boy, right? And he is asking question that why this happened, that happened, right? Now students, here I am singing this poem. You can listen the teacher. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now? Why not why by the by? Once again I am repeating. I know a curious little boy who is always asking why. Why this, why that, why then, why now? Why not why by the by? He wants to know why wood should swim, why lead and marble sing, why sun should shine and wind should blow, and why we eat and drink. He wants to know what makes the clouds, and why they cross the sky. Why sinks the sun behind the hills, and why the flowers die.
Some of these whys are not too hard to answer if you will try. Others no one ever yet has found the reason why. Okay, students, so here the explanation of the poem Why and recitation of the poem is over. I hope you enjoy it. You will make practice of recite the poem. Right, students? So thank you. Have a nice day.